सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा। जो यूपी स्कॉलरशिप का पिछले साल 2017 में फॉर्म भरा गया था और जो 2018 मतलब इस साल जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं या भरने का जो भी प्रोसेस है उसमें कितना अंतर आया है, और 2018 में आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और क्या क्या नए अपडेट्स किए गए हैं 2018 के लिए वो भी मैं फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस के साथ आपको वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम चले आते हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। scholarship.up.nic.in ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है कि जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको किसी ITI में, अगर आपको एडमिशन आपने किसी भी ITI में एडमिशन लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको कैसे करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइए स्टूडेंट के टैब पे। न्यू रजिस्ट्रेशन का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया कि आप प्री मैट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन करें, या फिर अदर किसी पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट अदर के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये अपडेट किया गया है इस बार सिंपल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपके सामने सारे ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएंगे कि किसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या आपको रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ओपन कर लिया तो यहाँ देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन में आ गया है आपका, यहाँ पे पूरा लिख के आ गया है। और यहाँ पे देख लीजिए नीचे रिन्यूअल के लिए दे दिया है, रिन्यूअल के लिए पूरा ऑप्शन दे दिया है। तीन बॉक्स बना दिए गए हैं, SC ST जनरल कैटेगरी के लिए, OBC पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के लिए भी दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप पिछड़ा वर्ग से OBC कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ इस सेकंड वाले बॉक्स में आके रजिस्टर करना होगा, या अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको थर्ड वाले बॉक्स में आके एंटर करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो ये हम हैं OBC कैटेगरी के, तो यहाँ पे हमें ITI का फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जो कि पिछले साल की तरह ही सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो यहाँ हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके सामने आ गया है। तो सेम का वही प्रोसेस है, मैं आपको मोटा मोटी जानकारी ओवरव्यू दे दूं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो फ्रेश हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। जहां पे भी स्टार मार्क लगे हुए हैं वो कंपलसरी फील्ड है, उनको आप बिना भरे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहां जिला चूज करना है जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, जिस ज़िले में आपने एडमिशन लिया है, शिक्षण संस्थान, आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी उस ज़िले की। तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी आपको चूज़ करनी होगी, OBC है तो OBC, उसके बाद रीजनल आपका सेलेक्ट, धर्म आपको अपना सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। छात्र का नाम, जो भी हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पे आपको नाम दिया गया होगा, स्पेलिंग्स दी होंगी, वो सारा आप उसी हिसाब से भरेंगे। यहाँ फादर नेम वो भी हाई स्कूल के हिसाब से भरनी है, माता का नाम भी हाई स्कूल के हिसाब से भरना है, यहाँ पे जन्मतिथि जो आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पे दी गई है वो आपको यहाँ फिलअप करनी है। आपको अपना लिंग भरना है, पुरुष या स्त्री, हाई स्कूल आपने कौन से सन में उत्तीर्ण किया है वो आपको भरना होगा, हाई स्कूल किस बोर्ड से आपने पास किया है वो भरना होगा, यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर भरना होगा, और यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल का नाम और
पूरा पता आपको भरना होगा जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर, ईमेल में स्टार नहीं होना, ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। आप चाहें तो भर सकते हैं, छोड़ना चाहे तो भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर कॉलम स्वनिर्मित पासवर्ड 6 से 12 अंकों या अक्षरों का होना चाहिए। यहाँ पे 18 में भी सेम आपको भरना है। कैसे आपको पासवर्ड बनाना होगा तो यहाँ देख लीजिए, इंक्लूड एटलीस्ट 1 नंबर, 1 कैपिटल लेटर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। किस फॉर्म में होने चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, ये होते हैं, ये आप जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये स्पेशल कर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको पासवर्ड बनाना है। अदर देन किसी को भी आप मिस करेंगे तो आपका पासवर्ड नहीं बन पाएगा। उसके बाद पासवर्ड आप बना लेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर कैप्चा दिया है, ये एंटर करने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होके आ जाएगा, अगर आपने सारी डिटेल सही भरी होगी तो। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद आप इसको प्रिंट करके आगे यूज़ के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया, अब क्या करना होगा, फिर से आप सीधे होम पेज पर चले जाइए स्कॉलरशिप, फिर से आपको सीधे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे होम पेज पर चले आना है। तो यहाँ यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आ गए हैं। फिर से हमको जाना है स्टूडेंट के टैब में। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश का आवेदन किया है, उसमें हमको अब लॉगिन करना है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर लॉगिन फ्रेश आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद का ये प्रोसेस है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए अब आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो आपको यहाँ पे मिला था रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको कॉपी कर लीजिए, चाहे टाइप करके यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपकी जन्मतिथि आपने भरी है वो फिलअप करेंगे, अपना जो आपने जो अपना पासवर्ड क्रिएट किया था बनाया था वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर दिए गए ये जो कैप्चा कोड है यहाँ एंटर करके उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा इंस्ट्रक्शन का, उसको आपको पूरा पढ़ लेना है। नीचे आपको दिया गया कि हमने ये सारी जानकारी पूरी पढ़ ली, और चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूरी प्रक्रिया दी हुई है, कितने चरणों में आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है, यहाँ आपकी पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रीन चेक मार्क आ गया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप को भी प्रिंट कर लिया, ग्रीन चेक मार्क आ गया। अब यहाँ सामने हमारे आ गया है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरने वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने का लिंक जो है आ जाएगा हमारे सामने। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये भी पूरी प्रक्रिया पिछले साल की तरह है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, बस एक जो इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन का आया था कि भाई जो भी जानकारी थी वो एक नया अपडेट किया गया है कि छात्र इस चीज़ को क्या क्या करना चाहिए, छात्र को क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक जानकारी दी गई है, वो एक नया अपडेट है इस बार। अब हम चले आते हैं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। शैक्षणिक विवरण में आपको भरना है पाठ्यक्रम का प्रकार, जो भी आपका नियमित है, स्वपोषित है, पाठ्यक्रम का नाम भरना है, जो भी आपके पाठ्यक्रम का नाम है, यहाँ हमने नियमित करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा पाठ्यक्रम कौन कौन सा है, जो भी उस कॉलेज में पाठ्यक्रम होंगे वो नियमित कौन कौन से पाठ्यक्रम, वो पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, जो भी उस पाठ्यक्रम का नाम आप सेलेक्ट करें कौन कौन से ब्रांच हैं वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। अवधि यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे कितने साल का कोर्स है, यहाँ पे देख लीजिए क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के साथ है, यहाँ पे आप अगर लेटरल एंट्री के साथ अगर आपने प्रवेश किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आवासीय छात्र है या दिवा छात्र, यहाँ पे हमेशा आपको दिवा छात्र करना है। अगर आपने हॉस्टल लिया है कॉलेज में तो आप आवासीय छात्र पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हाई स्कूल का प्राप्तांक आपको भरना है, हाई स्कूल का पूर्णांक भरना होगा, पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि क्या है, आपने जो भी इस साल पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है उसकी प्रवेश तिथि आपको यहाँ भरनी है, पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि कब की है, पंजीकरण से विश्वविद्यालय बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक। यहाँ देखिए 11 नंबर कॉलम जो है, 11 नंबर कॉलम में स्टार मार्क नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इस फील्ड को कंपलसरी नहीं किया गया है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, इसको आप
ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको विश्वविद्यालय पंजीकरण नंबर मिल गया है बोर्ड से तो आप इसको यहाँ फिलअप करेंगे, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एंटर करना है किस बोर्ड से आपने आप इस कोर्स को कर रहे हैं, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ था। यहाँ पे अगर आप मेरिट के आधार पर हुआ है इंटर के तो यस करेंगे, नहीं हुआ है तो नो करेंगे। पाठ्यक्रम की पात्रता आप सेलेक्ट करेंगे, हाई स्कूल पे है, इंटर पे है या किसी अदर कोर्स पे, इसकी जो भी आपने जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन किस पाठ्यक्रम पे है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप ITI कर रहे हैं तो हाई स्कूल रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही नो करेंगे तो ये इंटर वाले हाईलाइटेड कॉलम अनहाइलाइटेड हो जाएंगे, इनको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या प्रवेश AKTU की काउंसलिंग से नहीं छोड़ दें, जो पिछले साल 2017 का स्कॉलरशिप का फॉर्म था उसमें इस तरह कॉलम वाइज डिटेल नहीं मांगी गई थी, सब एक ही में मर्ज था। तो इस बार जो है ये अपडेट किया गया है कि ये कॉलम वाइज कुछ डिटेल को कर दिया गया है, कुछ अपडेट्स इसमें हैं वो मैं बता देता हूँ। पिता और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है जिस कॉलम में वो फील्ड कंपलसरी नहीं है, उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए छात्र छात्र का आधार संख्या, तो यहाँ देख लीजिए 16 17 18 नंबर कॉलम जो है स्टार मार्क नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। 19 नंबर कॉलम में भी आप उप जाती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने सेलेक्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। आवासीय पता और स्थायी पता ये आपको फिलअप करना है। यहाँ देखिए 22 नंबर कॉलम, ये भी कंपलसरी फील्ड नहीं है, अगर आप विकलांग हैं तो आप अपनी डिटेल भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ देख लीजिए आ गया है जाति एंड आय का विवरण, ये पूरी डिटेल आपको भरनी होगी। यहाँ पे जाति का प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति जारी होने की तिथि, जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म, इसी तरह आय की भी पूरी डिटेल आपको इस बॉक्स में भरनी होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए बैंक का विवरण आपसे मांगा गया है, किस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, किस ब्रांच में आपका खाता है वो सेलेक्ट करना होगा, बैंक खाते की संख्या आपको सेलेक्ट करनी हो, और जो बैंक में आपका नाम अंकित है जिस नाम से आपने बैंक अकाउंट खुलवाया हो वो नाम आपको 34 नंबर कॉलम में फिल करना होगा। ब्रांच सेलेक्ट करते ही IFSC कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है शुल्क संबंधी विवरण, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम है, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे 35 नंबर अनुमोदित नॉन रिफंडेबल वार्षिक शुल्क रुपयों में, तो ITI के लिए अनुमोदित नॉन रिफंडेबल शुल्क 2018 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए 18,000 यहाँ भरा जाएगा। संस्था द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक ट्यूशन फीस की धनराशि, ये जो सेकेंड कॉलम है 35 का, संस्था द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक शिक्षण शुल्क की धनराशि, संस्था द्वारा एक साल में कितना शुल्क लिया जाएगा, तो यहाँ पे ITI के लिए 18,000 है, बाकी अदर कोर्सेज के लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क करके उस शुल्क को पता कर सकते हैं। आ जाते हैं थर्ड में, वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क में से छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय तक शिक्षण संस्था में कितना शुल्क जमा किया गया है, तो इसका मतलब है कि जब बच्चे ने स्कॉलरशिप ऑनलाइन कर रहा है उस समय तक विद्यालय में उसने कितना शुल्क जमा किया है, जो भी आपको फीस रसीद मिली होगी, जितना भी शुल्क आपने जमा किया होगा उसकी आपकी फ़ीस रसीद मिली होगी, फीस रसीद जितना भी शुल्क अंकित है, मान लीजिए आपने 10,000 जमा किया है तो यहाँ पे आपको 10,000 एंटर करना होगा, जिसने 8,000 जमा किया, जिस बच्चे को जितने रुपये की फ़ीस रसीद मिली होगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद छात्र द्वारा जमा किए गए शुल्क की रसीद संख्या यहाँ पर दर्शानी है, छात्र द्वारा जमा किए गए शुल्क की रसीद दिनांक, किस डेट पे उसने शुल्क जमा किया है, और यहाँ पे जितना भी शुल्क वर्ष में एक साल में लिए जाना है उसमें से जितना जमा कर दिया गया और जितना बचा है कितना और विद्यालय को लेना है इस साल में, तो वो यहाँ पे अंकित करना होगा। जैसे 10,000 फीस इस समय उसने दे दी है, बचा 8,000, तो यहाँ पर आप 8,000 अंकित कर देंगे। अब आ जाइए यहाँ गत वर्ष का विवरण आपसे मांगा जा रहा है, तो गत वर्ष में जो भी आपने लास्ट परीक्षा पास की थी, अगर हाई स्कूल पास किया तो यहाँ पे हाई स्कूल का पूरा डिटेल आप भरेंगे, गत वर्ष का परीक्षा फल हो गया, परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर थी, वार्षिक थी, अंक प्रणाली क्या थी,
पूर्णांक कितना था, प्रतिशत कितना आया, किस संस्था से आपने पास किया है। और यहाँ पे देखिए केवल अल्पसंख्यक के लिए है ये चीज़, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ कैप्चा आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे प्रमाणित पे चेक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको फ़ोटो लगाने के लिए आएगा, वहाँ आप फ़ोटो लगा देंगे। तो यही कुछ अपडेट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी या हो रही थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।